नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मिलाया हूं घोस्ट राइडर फाइनल वेंजेंस का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि हुड ने मेफिस्टो से डील करके जॉनी ब्लेस का घोस्ट राइडर छीन लिया है, और फिर खुद घोस्ट राइडर बनके कुछ वैम्पायर से डील करने आया है ताकि वे लोग मिलके काम करें। तो वही दूसरी ओर जेब जॉनी ब्लेस को ढूंढते हुए एक टनल में आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर ने जॉनी को कैद करके रखा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं, जिसे जेब ने बाहर निकाला है, लेकिन अब भी जॉनी होश में नहीं है। तभी जेब जॉनी को होश में लाता है, और तब जॉनी को होश आता है और वो देखता है कि जेब उसके पास में बैठा हुआ है। तभी जेब जॉनी से कहता है कि बहुत सो लिया, अब कुछ करने का समय हो चुका है। ये सुनते ही जॉनी उठने लगता है, लेकिन तभी उसके पेट में बहुत अधिक दर्द होता है, और तब वो देखता है कि उसके पेट में दो दांत के निशान थे। ये देखकर जेब जॉनी से कहता है, ये अजीब बात है, वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा था और उसके ही दांतों के ये निशान है, लेकिन फिर भी तुम बच गए। ये कहते हैं जेब जॉनी को ड्रिंक देता है पीने के लिए, और कहता है कि तुम लगभग मर चुके थे और मैं भी। ये कहते हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जेब पर हमला कर दिया था, लेकिन जेब ने उसे मार दिया। तभी जेब जॉनी से कहता है, ये ड्रिंक तुम्हें ठीक कर देगी और फिर हम मिलकर पार्कर रॉबिन्स को निपटा देंगे। यासीन शिफ्ट होती है और हम पार्कर रॉबिन्स को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। तभी हमें पार्कर रॉबिन्स की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि यहाँ पर 5 क्राइम फैमिलीज है जो शिकागो का बिजनेस संभालते हैं, लेकिन हर संडे जर्मन माफिया ये रेस्टोरेंट बंद करवाते हैं अपने प्राइवेट मील के लिए, और आज यहाँ पर मेरा पहला शिकार इन लोगों की मार्ट्रिज ग्रेटल वैगनर है। ये कहते हम ग्रेटल को देखते हैं, जो मजे से खा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और फिर वहाँ पर हुड आ जाता है और अपने चेन से ग्रेटल को बांध देता है, और फिर वहाँ आए हुए सारे लोगों को मार गिराता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स आ जाते हैं, वे लोग आके उन सारे मरे हुए लोगों का खून पीने लगते हैं। तभी हुड उन सारे वैम्पायर से कहता है कि यहाँ जितने लोग हैं उनके साथ जो करना है वो करो, लेकिन ये ग्रेटल मेरी है क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत प्लान्स है। ये कहते हुड ग्रेटल को खींचते हुए ले जाता है। तभी हम हुड को देखते हैं, जो ग्रेटल को खींचते हुए अपने घर यानी कि मिट लॉकर ले आता है, और वहां आते ही वो घोस्ट राइडर से पार्कर रॉबिन्स बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो पार्कर रॉबिन्स बनता है, वैसे ही वो अपने मुंह से रात की उल्टी कर देता है। ये देखकर पार्कर रॉबिन्स कहता है, ये मेरा राज है, और बाहर जो वैम्पायर से उन्हें ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। यासीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं, जो कुछ इस तरह की ही राख वाली उल्टी कर रहा था। ये देखकर जेब जॉनी से पूछता है कि ये उस स्पाइडर के कारण नहीं हुआ ना, जिस पर जॉनी जेब से कहता है, नहीं ये उसके कारण नहीं, बल्कि ये खालीपन है। ये सुनते ही जेब जॉनी से कहता है कि ये घोस्ट राइडर सिर्फ स्पिरिट ही नहीं, बल्कि इतने समय से तुम्हारे साथ जुड़ने के कारण तुम दोनों अब एक शरीर बन चुके हो, यानी कि स्पिरिट को निकालना तुम्हारे अंदर से किसी ऑर्गन को निकालने जैसा है, इसलिए यह तुम्हारे साथ हो रहा है। पर मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इतने टाइम स्पिरिट से जुड़ने के कारण तुम्हारे अंदर भी स्पिरिट के कुछ पावर्स आ चुके हैं। लेकिन तभी उन दोनों को वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही जॉनी जेब से पूछता है, क्या ये वुल्फ की आवाज थी? जिस पर जेब कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें मोटेल या हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाया, क्योंकि कुछ पावरफुल फोर्स है जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है, और ये भी उन्होंने भेजे है। लेकिन तभी वे वुल्फ जेब और जॉनी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जेब अपने पावर से उन वुल्फ को रोकने लगता है, पर एक वुल्फ जॉनी पर छलांग मार देता है, लेकिन जॉनी उस वुल्फ को उठाकर बॉनफायर में फेंक देता है, जिसके कारण वो वुल्फ पूरी तरह जल जाता है। इधर जेब बाकी वुल्फ को रोकने में लगा था, तो वही जॉनी रेंगते हुए अपनी बाइक के पास आने लगता है ताकि उससे गन निकाल सके, लेकिन तब एक वुल्फ जॉनी को देख लेता है। यहाँ जॉनी अपनी गन तक पहुंच चुका था और गन को उठाने वाला ही था कि तभी वो वुल्फ जॉनी के शोल्डर पर काट लेता है, लेकिन जेब तुरंत उस वुल्फ पे अटैक करके उस वुल्फ को मार गिराता है। तब ये देखकर जॉनी तुरंत अपनी गन उठाता है और देखता है कि एक वुल्फ ने जेब पर अटैक कर लिया था। ये देखकर जॉनी जेब से कहता है कि तुम सही थे, ये स्पिरिट मुझसे जुड़ी है। ये कहते जॉनी अपनी जो स्पिरिट की पावर है उसे अनलिश करता है, और वहां आए हुए जितने भी वुल्फ थे उन सबको मार गिराता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम इलिनॉइस इंटरनेशनल पोर्ट देखते हैं,
जहाँ पर सामान लोड हो रहा था। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। तभी देखकर पार्कर रॉबिन्स कहता है कि शिकागो पर बहुत अधिक कार्गो आते रहता है, लेकिन ये सारे कार्गो ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है और इन ब्लैक मार्केट को बाउफी कंट्रोल करता है। और आज उसके पास इंडिया से ह्यूमन ऑर्गन्स आए हैं। ये कहते हम बाउफी को देखते हैं जो इंडिया से आए कंटेनर को खोलने को कहता है। तभी वो आदमी उस कंटेनर को खोलने जाता है, लेकिन ऐसा करते ही उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर बाउफी कहता है कि प्रॉब्लम क्या है। ये कहते ही उस कंटेनर में ब्लास्ट होता है और उसमें से दगुड़ बाहर आता है और कहता है कि ये सारी चीजें इनोसेंट लोगों की थी और आज तुम्हें पाप फेरना होगा। ये कहते हुए बोफी के सारे लोगों को मार गिराता है और फिर बोफी से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत प्लान्स है। ये कहते हम मिट लॉकर देखते हैं जहाँ पर हुड ने बोफी को लटका के रखा था। और तब हुड कहता है दो गए, अब तीन बाकी है और फिर उसके बाद ये सिटी मेरी होगी और फिर मुझे रुकने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते हम जॉनी ब्लेस और जेप को देखते हैं जो पार्कर रॉबिन्स को अब रोकने के लिए निकल चुके थे। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।